देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर के हमारी काफी कक्षाएं हो चुकी हैं। मैं आपको कई सारे विषय वस्तु पढ़ा चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि चूंकि ये प्रारंभिक समय है, अभी क्लास आपकी स्टार्ट ही हुई है, तो आप लोग एक फीडबैक जरूर दीजिए। बताइए कि क्लासेस चीजें आपको समझ में आ रही हैं। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इतने सारे फैक्ट, इतने सारे तथ्य, उत्तर प्रदेश का मानचित्र, तो जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग सभी लोग फीडबैक जरूर दीजिए क्लास का। बताइए कि आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं, चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ये बहुत जरूरी होता है किसी क्लास को, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, इसको लेकर के भी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की विषय वस्तु को लेकर के यदि आप चाहते हैं कि इसमें और कुछ इम्प्रूव, वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसमें कोई चीज रह ना जाए, उस आधार पे चीजों को लेकर के चल रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी हर चीज में सुधार की गुंजाइश होती है। तो यदि आप मुझे कुछ सलाह भी देना चाहते हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग सबसे पहले एक हमारा फीडबैक सेशन टाइप में रहेगा कि आप मुझे फीडबैक देंगे, बताएंगे कि भाई सर चीजें कैसे चल रही हैं, चीजें आपको समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, ताकि मेरे को एक हौसला विकसित होगा कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अल्टीमेट क्लास का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को चीजें समझ में आए। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा मुझे सभी लोग बता दें, यहाँ पे ऑनलाइन वाले बकायदा कमेंट सेक्शन पे आप लिखें कि फीडबैक को लेकर के आपको अभी तक कैसा लग रहा है, चीजें सब समझ में आ रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज मुझे आप लोगों से सभी से जानना है। जितना पढ़ा रहा हूँ क्या क्लास के साथ याद होता जा रहा है, ये भी आपको बताना चाहिए। बताएं अभी आप लोगों को उत्तर प्रदेश की, तो अभी तो क्लास आप अभी जितना कर रहे हैं बस उतना चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, एक बार मुझे थोड़ा सा बताएं कि कैसा आपको क्लास लग रहा है, क्योंकि देखो टाइम टू टाइम पे फीडबैक सेशन भी जरूरी है ताकि आपके मन की बातें समझ में आए। हो सकता है मैं अपनी कोई टेक्निक से पढ़ा रहा हूँ, वैसे मेरा प्रयास ये रहता है कि वो टेक्निक वही रहे जिसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाए, बट फिर भी एक शिक्षक के तौर पे मेरा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को कितना चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्या मैं ही समझ रहा हूँ क्लास में कि आप भी सारी चीज़ें समझ रहे हैं, ये दोनों चीज़ें यदि साथ में होकर चलती हैं तो फिर ज़्यादा आसान हो जाती है जर्नी हमारी। सभी लोगों को देना है कमेंट, यहाँ पे जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, जितने भी लाइव लोग हैं, सभी को देना है। मैं सबके कमेंट यहाँ पे पढ़ूंगा, फिर इसके बाद सेशन चालू करेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र पढ़ेंगे, नदियों से जुड़ा हुआ टॉपिक को आज से शुरुआत करेंगे। आज आपको उत्तर प्रदेश की सारी नदियां रटवा दूंगा मैं। सभी लोगों को लिखना है, देखो जितने लोग लाइव हैं, जब तक सबके कमेंट नहीं आ जाएंगे फिर एक एक कमेंट में पढ़ना चालू करूंगा। और आप लोग भी यदि कुछ चाहते हो, देखो फीडबैक की बात सिर्फ ये नहीं होती है, आप लोग भी यदि कुछ चाहते हो कि इसमें कुछ ऐड ऑन किया जाए, तो वो सुझाव भी आप लिख सकते हो कि सर और कुछ इसमें बेहतर किया जा सकता है, या फिर आपको लगता है कि यही तरीका बेहतर है तो इसी तरीके के साथ हम चलें, तो हम उस तरीके को लेकर के भी चल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये है, क्या नाम है, RS कैरियर पावर। एक बार अपना नाम भी जरूर लिखा करिए। सर मैं आपको करीब 2 से 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ और आपकी टीचिंग स्किल अच्छी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, सब कुछ समझ में आ रहा है। कमलेश सिंह जी, अभी तक की कक्षाएं पूरी तरीके से समझ में आ रही हैं। माया यादव जी, जी सर बहुत अच्छा है, याद हो जाता है क्लास में, ठीक है। अतुल मिश्रा जी कह रहे हैं कि एक्सीलेंट सर। ये कौन है, आर्यन राज सर, समझ में आ रहा है। कमलेश सिंह कह रहे हैं सर PDF किस ग्रुप में अपलोड की जाती है। देखो कमलेश सिंह जी, PDF यहाँ पे किसी भी ग्रुप में अपलोड नहीं की जाती है, मैं कोई PDF आपको यहाँ पे उपलब्ध नहीं करा रहा हूँ। मैं क्लास में ही याद करवाने के उद्देश्य से आप लोगों को चीजें लेकर चल रहा हूँ, और PDF मैं आपको 50 भेज दूंगा, आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ोगे उससे। तो क्लास के साथ साथ याद करना बेहतर है, या कोई ऐसा कंटेंट जो लेकर डंप कर लेना अपने पास, वो थोड़ा सा माइंडसेट के साथ मैं क्लासेस नहीं कराता हूँ। और आप लोगों के लिए ये क्लास क्लास के साथ ही याद करने की है, तो इसलिए PDF का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। मैं मैप के थ्रू पढ़ाता हूँ हर चीज को, तो इसलिए PDF का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं होना चाहिए, और आपको भी PDF से PDF के प्रति इतना ज्यादा स्नेह नहीं होना चाहिए।
क्योंकि PDF वो रखी रहती हैं ना, तो आप उन्हें पढ़ते हैं, आप जब खुद से नोट्स बनाते हैं वो नोट्स ही आपके सबसे कारगर होते हैं। हाँ, नेक्स्ट है अनुज कुमार जी। सर समझ में आ रहा है सब कुछ अच्छे से, सबको लिखना है जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं। रूबी पटेल जी, सर समझ में आ रहा है। अच्छा, RS करियर पावर राम किशोर जी हैं। विकास कुमार जी कह रहे हैं सर सब कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, साथ साथ लर्न करना ही, यही एक उद्देश्य है प्रॉपर। ठीक है, तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया वो क्लियर हो रहा है? ऐसा तो नहीं है आप लोगों को कि कोई तकलीफ हो रही हो, कोई समस्या हो रही हो? नहीं ना। देखो, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष UP वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए। और जब बहुत महत्वपूर्ण है तो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आपको यदि मैं क्लास के साथ याद करा रहा हूँ तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। और मैं इसको पूरी तरीके से कुछ भी नहीं छोड़ के चलूँगा, इतना मेरा प्रॉमिस है आपका, कुछ भी नहीं छूटेगा। A to Z और सारी चीज़ें विद मानचित्रण ही पढ़ाऊँगा मैं, कुछ भी आपको पढ़ाऊँगा मानचित्र के साथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो एटलीस्ट आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि आप लोग बस कंप्लीट कर लें, तैयार कर लें बस। ठीक है, चलिए मैं फिर क्लास स्टार्ट करता हूँ, क्लास प्रारंभ करता हूँ, सेशन को शुरू करते हैं। और इसके बाद जो है, धनंजय कुमार जी कह रहे हैं सर पहली बार आपसे लाइव क्लास कर रहा हूँ, आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो बेहतर हैं। हम तो सर कभी लाइव पढ़ते हैं क्योंकि सर अधिक समय हम ड्यूटी पर ही रहते हैं, बाद में देखते हैं समझ में आ रहा है। चलिए, कौन है ये? धनजी कुमार। धनजी कुमार जी, आप किस डिपार्टमेंट में हैं, कहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं इस समय? ठीक है, मतलब जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी देख पा रहे हैं उनको भी चीजें वैसी ही लगेंगी, क्लास जैसी ही लगेंगी, बट ये है कि पढ़ना है। जो लोग अभी लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं वो लोग बाद में कंप्लीट करिए, पर करिए जरूर, मतलब ये नहीं रखिए कि आप उसको छोड़ते हुए चलिए। ठीक है, तो आप लोग अपने अपने फीडबैक टाइम टू टाइम पे मैं आपसे लेता रहूँगा, और आप लोग फीडबैक जरूर दिया करिए जब भी मैं आपसे चीज़ें पूछता हूँ। और फिर सेशन चलिए प्रारंभ करते हैं आप लोगों का, और UP स्पेशल की कक्षाएं आप लोगों के लिए मैं बेहतर बनाता रहूँगा। आप लोग यदि कोई इनपुट और ये चीज़ बताना चाहें कि इस तरीके से चीज़ें और बेहतर की जा सकती हैं, तो वो भी कार्य मैं यहाँ पे आपके साथ करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए सत्र को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके। अच्छा, धनजी कुमार जी लखनऊ में हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में। चलिए, बिल्कुल आपका टाइम बड़ा टफ रहता होगा, लेकिन फिर भी जब भी समय मिलता है किसी भी दिन का गैप नहीं करना है, रिवीजन सभी को करना है टाइम टू टाइम पे, ताकि जो पढ़ा रहा हूँ वो हमेशा के लिए आपके साथ हो जाए। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। मैं चलिए क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन को, और फिर एक एक चीज करके यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे जो भी चीज़ें।